जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और आज उलवे से गुजर रहा है काफिला श्रमिक मजदूरों का। जी हाँ, आप देख सकते हैं रेलवे के ट्रैक पे हमारे जो सतर्क सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, नेहा पाठक जी, उनकी तरफ से एक वीडियो आया और हम सतर्क हुए। हमने जाके उनसे बातचीत की तो सत्यता क्या है वो आपके सामने है। हमने उन्हें बताया कि रेलवे ट्रैक पे चलना भी खतरनाक है, क्योंकि कई बार कई ऐसे इंसिडेंट आपने बड़े बड़े NDTV जैसे चैनलों पे देखे होंगे, जहां पे रेलवे से कुचल के कई श्रमिक मारे गए। तो इन श्रमिकों को आखिर पहुंचाएगी कैसे सरकार अपने गंतव्य तक, यानी कि उनकी डेस्टिनेशन तक। ये एक कोरोना की महामारी के लिए भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सुरक्षा की दृष्टि से। तो मैं महाराष्ट्र सरकार और नवी मुंबई पुलिस दोनों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन श्रमिकों की मदद करें। और ये आप देख सकते हैं, जी हाँ, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, खाने को रोटी नहीं, तो क्या करेगा श्रमिक और कैसे रोक पाएंगे इस कोरोना की महामारी को। जी हाँ, आज की जो बड़ी न्यूज़ थी वो ये, यूपी बन रहा है चाइना का वुहान। और ये यही रेलवे ट्रैक पे भी चल रहे थे, हमने यहाँ पे इनसे बातचीत करने के लिए हम रुके हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लेबर कैंप से आ रहे हैं, टाटा कॉलोनी से। टाटा कॉलोनी से, तो ट्रैक से चलते हुए आए? हाँ। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम, कहाँ जा रहे हैं सर? गाँव जा रहे हैं, यूपी। यूपी? हाँ। तो यूपी कैसे चले जाओगे यहाँ से? सर कोई व्यवस्था देखेंगे आगे होगा तो। कौन सी व्यवस्था देखेंगे? आप सब यूपी से हैं? हाँ, सब यूपी से हैं। तो आप लोग ने ट्रेन जो जा रही थी उसका कोई रिस्पांस नहीं निकला सर उधर से। कहाँ पे नहीं निकला? आप लोग कहाँ पे काम करते हो? टाटा कॉलोनी। टाटा कॉलोनी कहाँ पे है? वो सर है खारकोपर स्टेशन के पास। तो आप लोग और भी कई लोग थे? हाँ सर, आगे निकल गए। कितने लोग थे टोटल? 300-400 से ज्यादा लोग यहाँ से पास हो रहे हैं। और आप लोग चल के कहाँ जा रहे हो? नहीं, यहाँ यूपी चल वाशी तक जाएंगे। तो आप लोग ने रेलवे ट्रैक क्यों चूज किया? सीधा रास्ता था सर, अभी गांव के अंदर अंदर जाएंगे तो। लेकिन रेलवे पे भाई आपको मालूम है ना, एक्सीडेंट हो चुके हैं रेलवे पे, ट्रैक पे। आप लोग को नहीं चलना चाहिए, आप लोग को आपका जीवन संभालना चाहिए, है ना। आप लोग जाइए, आप लोग को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, लेकिन लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतिए, ठीक है। हम लोग कैसे निकले कि जाने हमको उधर पहुंच जाए? जी बिल्कुल, ठीक है। जी हाँ, यही वो निशा पाठक जी का भेजा हुआ वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे हम सतर्क हुए और हमने तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि हम जनता के चैनल हैं। ये माणसं आलेत उरणवरून आणि आता ही जात आहेत नवी मुंबईच्या दिशेने, आणि उरणमध्ये ऑलरेडी करोना पेशंट सापडले आहेत आणि शासनाचं याकडे लक्ष नाही आहे। ही अशी ट्रॅकवरून माणसं जात आहेत, कोण राहील या जबाबदार, म्हणजे करोना वाढवण्यास कोण आहे? नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन।